हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल शर्मा। आप सबका स्वागत है विशाल शर्मा टेक्निकल सपोर्ट में। आज हम इस वीडियो में बताएंगे पार्टीशन को कैसे हम डिलीट करते हैं या रिमूव करते हैं। तो जैसे कि आप सभी पार्टीशन क्रिएट करते हैं तो जो फालतू पार्टीशन रहता है, जिसे यूज नहीं करते आप, तो उसे डिलीट करने के लिए कैसे डिलीट करते हैं वो इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले हम आएंगे माई कंप्यूटर पे। आने का देखिए यहाँ पे पार्टीशन जो बनाए हैं वो दिखाई दे रहा है, तो इसे डिलीट करना है। जैसे कि आप इससे बनाए रहेंगे इसे, तो ये डिलीट करेंगे जितना जीबी का ये रहेगा वो उतना जीबी इसमें ऐड हो जाए, तो इसका स्पेस ज़्यादा हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले हमें आएंगे यहाँ पे कंप्यूटर पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैनेज लिखा है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए डिस्क मैनेजमेंट लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें हटाना है जी ड्राइव को, तो जी ड्राइव को पहले यहाँ से डिलीट करेंगे राइट क्लिक करके। यहाँ पर देखिए डिलीट वैल्यूम लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे, यस कर देंगे। यहाँ पर देखिए जिस ड्राइव से आप बनाए रहेंगे उस पर जाएंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करने के एक्सटेंड वैल्यूम पे क्लिक करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट फिर से फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद यहाँ पे आएंगे अपने कंप्यूटर पे, यहाँ पर देखिए इसका स्पेस बढ़ गया। यहाँ से जो चार ड्राइव था यहाँ पे तीन ड्राइव बचा है, ये डिलीट हो गया। तो इस वीडियो की सहायता से आप अपने ड्राइव को हटा सकते हैं, पार्टीशन को डिलीट कर सकते हैं।